हेलो गाइस, टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैंने आपको एक ऑनलाइन यूपीएस का जो पूरा टोटली डेट था वो मेरा पास आया है। हमने उसको चेक किया तो उसका जो मदरबोर्ड है वो रिपेयरेबल नहीं था, इसलिए उसका मेन कार्ड जो है उसको नया लगाएंगे। उसी के लिए आपको दिखा रहे हैं, ये नया कार्ड हम आपका फिट कर रहे हैं इसमें। उसका साथ में एक कंट्रोलर लगाएंगे, ये एक्चुअली इनबिल्ट आपका यूपीएस है। इनबिल्ट यूपीएस में आपका अंदर में हार्ड बैटरी लगता है। नया कार्ड इसको फिट कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से इसको फिट कर रहे हैं। इसको फिट करने के बाद अभी देखिए इसमें चारों तरफ स्क्रू है, उसका कनेक्टर है, सबको लगाएंगे। अब देखिए अब इसमें एक एक करके उसका जो कनेक्शन है, अभी फैन का कनेक्शन लगा दिया इसमें। फैन का कनेक्शन लगाने के बाद देखिए फैन का एक कनेक्शन है, इसको लगा रहे हैं। इसको लगाने के बाद उसका इनपुट एंड आउटपुट का भी हम इसमें लगाएंगे। देखिए इनपुट कनेक्शन है, ये आउटपुट कनेक्शन है, ये दोनों कनेक्शन यहाँ पर लगा रहे हैं। ये दोनों लगाने के बाद फिर उसका कंट्रोलर कार्ड लगाएंगे। अभी हमने इसमें आपका इनपुट तार लगा रहे हैं, साथ में इसका आउटपुट का भी तार आता है। पहले ऊपर में हमने लगा लिया है आपका आउटपुट का तार, ये देखिए ये इनपुट का तार है, ये इनपुट का तार आपका इसमें हम फिट कर रहे हैं। अब इनको इनपुट का तार जो है हमने फिट कर दिया इसमें। अगर मान लीजिए कोई मदरबोर्ड, अगर मेन बोर्ड जो होता है वो अगर आपका पूरा टोटली डेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयरेबल नहीं होता है, तो उसको जाके नया कार्ड ही आपको चेंज करना पड़ेगा। या तो आप कंपनी से उसको स्वॉप मोड में ले सकते हैं, या फिर आप उसको नया कार्ड भी लगा सकते हैं। तो नया कार्ड का दाम ज़्यादा होगा तो स्वॉप मोड में लेने से सबसे बेस्ट होता है कि उसमें आधा दाम में आपको कार्ड मिल जाता है। अब इसको हमने खोले हैं, खोल के एक एक करके सब लगा रहे हैं। अभी देखिए इसका कंट्रोलर कार्ड है, कंट्रोलर कार्ड एक्चुअली जो कस्टमर का था वो कस्टमर किसी को दिया था, तो वो कस्टमर क्या किया इसमें कोई बीपी का कंट्रोलर कार्ड लगाया था। जो कंट्रोलर कार्ड लगाने के बाद उसको लोग जब उससे चला नहीं तब मेरे पास लेके आया था। तो देखिए यहाँ पर हम उसको फिट कर रहे हैं, कंट्रोलर कार्ड जब फिट हो जाएगा, अभी तो एक एक करके मदरबोर्ड का पूरा स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, इसके बाद कंट्रोलर कार्ड को लगाएंगे। अभी पहले स्क्रू टाइट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं इसको। अभी इसमें मेन बोर्ड का जो स्क्रूज है उसको सब टाइट कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, एक्चुअली क्या है कि इसमें स्क्रू लगाने में टाइम लग रहा है, बहुत सारा स्क्रू है, करीब करीब आपका 10-12 स्क्रू है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी देखिए कंट्रोलर कार्ड को हम फिट कर रहे हैं, उसमें आपका 3 स्लॉट में आपका पिन होता है, वो तीनों पिन को ठीक से बैठाना पड़ता है, उसमें अपना स्लॉट में बैठना चाहिए। अगर वो ठीक से नहीं बैठेगा तो आपका कनेक्शन सही नहीं आएगा। एक्चुअली ये ओरिजिनल इस कार्ड का नहीं है, ये दूसरा कोई बीपी कंपनी का कोई कंट्रोलर कार्ड है। ये कस्टमर है इसको कहीं से लगाया था या उसका जो टेक्नीशियन है वो लगाया था तो गलत किया था, इसलिए इसका देखिएगा डिस्प्ले जो है क्लियर नहीं आएगा। देखिए इसमें हमने चेक करने के लिए इसको भेजा था कंपनी में, तो कंपनी से चेक करके लिख दिया कि ये बीपी का कंट्रोलर कार्ड है, उसका एक टैग भी वो लगा दिया, ये इस कंपनी का नहीं है, उसी के चलते इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम इसको फिर भी लगा रहे हैं, लगा के हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम बैटरी का कनेक्शन भी लगा दे रहे हैं, बैटरी का लगाने के बाद फिर इसको चेक करेंगे। अभी देखिए बैटरी का कनेक्शन लगा दिया, सब कुछ कर लिए हैं। अब इसको पहले हम बैटरी मोड में, देखिए टैग आपको दिख रहा है,
ये जो कंट्रोलर कार्ड है दूसरा कंपनी का कार्ड है, इसलिए इसमें टैग लगा हुआ है। अब इसमें कनेक्शन वनेक्शन जोड़ के फिर आपको इसमें दिखाएंगे। तो गाइस आप भी जब कंट्रोलर कार्ड लगाएंगे उसको लगाने का पहले सही तरीके से कार्ड को लगाइएगा कि इसमें तीन स्लॉट में आपका जो पिन होता है ना, कनेक्टिंग पिन होता है, वो पिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर वो मिस करेगा तो आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए उसको लगाने का पहले अच्छा से आप उसका पिन में बैठा के फिर उसको पुश कर दीजिएगा। और साथ में एक आपका फ्रंट पैनल जो है डिस्प्ले, उसका एक कनेक्टर होता है, देखिए ये वाला जो है फ्रंट पैनल का कनेक्टर है, ये कनेक्टर इसमें लगेगा, इसी कंट्रोलर कार्ड में लगेगा, ताकि आप वहाँ से UPS का जो वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, इनपुट है, आउटपुट है, सब आप इसमें देख सकते हैं। उसी हिसाब से इसको देखिए, इसको हम खोले हैं, ठीक से बैठाए हैं, इसको बैठा के फिर इसको लगा के चेक कर रहे हैं। देखिए अभी वो पिन को हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए आप पिन देख पा रहे हैं इसमें, पिन को अपना स्लॉट में ठीक से बैठाना पड़ेगा। उसमें जो कंट्रोलर कार्ड होता है उसका पिन होता है, पिन को मिस नहीं होना चाहिए, मिस होगा तो आपका सही UPS फंक्शन नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपका आने लगेगा। तो अभी इसको हम ठीक से बैठा दिए हैं, अभी हम टेस्ट करेंगे इसको, आप टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। देखिए अभी ऑन कर दिए हैं, पावर दे दिए हैं, देखिए आपका UPS ऑन हुआ, लेकिन इसका डिस्प्ले सही नहीं आएगा, देखिए डिस्प्ले आपका कटा हुआ, क्योंकि इसका कंट्रोलर इसका नहीं है। तो कंट्रोलर इसमें चेंज करके इसको आप ठीक कर सकते हैं, देखिए UPS ऑन हो गया है।